3 तारीख को घटना हुई थी, उसके संदर्भ में मोहम्मदपुर थाने में 220/21 कांड दर्ज हुआ था 10 लोगों के खिलाफ, और उसमें अनुसंधान प्रारंभ हुआ, एसआईटी का गठन हुआ एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और उस टीम ने काम करना प्रारंभ किया। और शुरुआत में इस कांड से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 30 पाउच जो है उसकी बरामदगी हुई, और उसके बाद इस टीम ने इस पूरा जो सप्लाई चेन है उस पर काम करना प्रारंभ किया। तो जो बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग इस्टेब्लिश किए तो उसके तहत 8 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और हम लोग जहां से सप्लाई हुई थी शराब वहां भी रेड हुआ, वहां भी कुछ हम लोग को बरामदगी हुई, 7.5 लाख रुपये नगद जो कि 3-4 झोले में बेतरतीब तरीके से ठूंस के रखे गए थे उसकी भी बरामदगी हुई और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोग उसके भी बैकवर्ड लिंकेजेस को पहचान कर लिए हैं और उसके गिरफ्तारी के लिए टीम निकली है और गिरफ्तारी का प्रयास इसमें लगातार जारी है, और जिस तरीके से हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो घटना हुई है इसका जो सोर्स ऑफ लिकर है वहां तक हम लोग बहुत जल्द पहुंचेंगे, और इसका जो सोर्स का जो जो आदमी है जिसने सोर्स को जनरेट किया उस आदमी तक हम लोग पहुंचेंगे और उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि पिछले 4 दिनों में 195 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें 45 पीने वाले हैं और 150 बनाने या बेचने वाले हैं। तो ये शराब का जो भी पूरा कारोबार है, इसके जो पूरी सप्लाई चेन है, इसकी हर कड़ियों पे हम लोग काम कर रहे हैं और हर कड़ी के लोगों को पकड़ रहे हैं, जो बनाने वाले हैं, जो मिडिल मैन जो सप्लाई करते हैं या जो बैठा के पिलाते हैं, और जो पीने वाले हैं, इन सभी लोगों पे पूरी ताकत से कार्रवाई हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि लगभग हम लोग 8 से 10 गिरफ्तारियां औसतन होती है यहाँ पे, लेकिन पिछले 4 दिनों में हम लोग औसतन 50 के आसपास गिरफ्तारी कर रहे हैं, और यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा और हम लोग शराब पे पूरी तरह से नकेल कसने में सफल होंगे और मद्य निषेध की जो नीति है उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में भी हम लोग सफल रहे। सर, ये स्प्रिट कहाँ से आया था और कौन लाया था इसको? ये एक गुड्डू साह करके एक आदमी है जिसने सप्लाई किया था, और ये टाउन थाना के जो नवादा करके गाँव है वहाँ का रहने वाला है, और इस जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी यूज हुई थी और जो ड्राइवर यूज हुआ था, गाड़ी की भी बरामदगी हुई है और जो ड्राइवर है उसकी भी अरेस्टिंग है। तो क्या शुरुआती जो जांच में क्या ये कुछ एक साजिश का हिस्सा रहा या कुछ और रहा? हम लोग देखिए सभी जो बिंदु हैं सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं, और हम लोग का बैकवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश हुआ है। पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने कुल 150 गिरफ्तारी जो शराब विक्रेता ऑब्लिक जो शराब बनाने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी किया है, और 45 जो शराबी या शराब पीकर कहीं घूम रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही कुल 1,346 लीटर शराब भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही जो मोहम्मदपुर कांड से जोड़ते हुए जो हम लोग बैकवर्ड लिंकेज हम लोगों ने ढूंढा तो जगह पे रेड करने पे 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, और जो पूर्व में 3 गिरफ्तारियां इस कांड में हुआ था उसके अतिरिक्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 शराब बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका भी उद्भेदन किया गया है, 2 माझा में और 1 टाउन में किया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो औसतन 8 से 10 गिरफ्तारियां प्रतिदिन शराब के मामले में की जाती है, हम लोग लगभग 50 गिरफ्तारियां औसतन अभी कर रहे हैं, और हम लोग अभियान जारी है, और निश्चित रूप से इस धंधे में लिप्त जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों पर हम लोग शिकंजा कसेंगे और कर